खबर, लिव इन रिलेशनशिप रहकर उसे बलात्कार कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट दोनों संबंध में रहने वाले लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि रिलेशनशिप में रहने दोनों की सहमति से अगर शारीरिक संबंध को बलात्कार कहा नहीं जा सकता। ऐसा फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दर्शाया है। महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक अस्पताल परिचारिका ने डॉक्टर के विरोध में केस दर्ज किया, जहां विरोध में मामला दर्ज याचिका को न्यायालय ने निर्णय दिया है। महाराष्ट्र की एक महिला और उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाले डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। पति का देहांत हो जाने के बाद वह महिला डॉक्टर के पास परिचारिका यानी नर्स की जगह काम करने लगी। डॉक्टर के साथ उसका प्रेम संबंध शुरू हो गया जिसमें वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों में झगड़ा विवाद शुरू हुआ था। फिर उसी दौरान महिला ने डॉक्टर पर बलात्कार का आरोप दर्ज किया। इस गुनाह का विरोध डॉक्टर ने सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं के लिए आवाज उठाई और वह उसमें जीत भी हुई। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश ए के सिकरी और एस अब्दुल नाजिर न्यायाधीश न्यायमूर्ति न्यायालय में फैसला सुनाया है कि बलात्कार और दोनों की सहमति से किया गया शारीरिक संबंध इन दोनों में फर्क होता है। ऐसे मामले में गहराई से छानबीन करने आवश्यकता होती है। महिला के साथ शारीरिक संबंध रखने का उद्देश्य क्या है, शरीर की वासना या फिर शादी का जूता झसना, इन सारी बातों का धोखाधड़ी के अंतर्गत में आती है। यह बलात्कार कहा नहीं जा सकता। मामला महिला की मर्जी से अपना शरीर सौंप दिया था, इसे बलात्कार जैसा मामला कहा नहीं जा सकता। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 3 जनवरी 2019 जो फैसला सुनाया है उस फैसले का सभी ने ही स्वागत किया है। लोगों की मानहानि करने के लिए कानून का उपयोग अस्त्र शस्त्र जैसा किया जाता है। झूठे समाज में बढ़ते जा रही एक झूठे मामले में न्यायालय ने निर्णय इस मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS India आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल